अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्निंग सीरीज़। आज मैं आपको डेली रूटीन में यूज़ होने वाले छोटे छोटे से सेंटेंसेस सिखाऊंगी, जिन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को डे बाय डे इम्प्रूव कर सकते हैं। और स्पेशली जो बिगनर्स हैं, जो अभी इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, वो इन सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पोकन लैंग्वेज को या अपनी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, मुझे एक मैसेज भी आपको देना है कि अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट हैं, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, बीकॉम आईटी या फिर बीबीए के स्टूडेंट हैं, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर ज़रूर विजिट करें। उस चैनल का लिंक मैं आई बटन में मेंशन कर दूंगी। उस चैनल के थ्रू आप बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल कर सकते हैं। तो चलें फिर आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, आप काबिल एतमाद हैं। यानी आप किसी को कहना चाहते हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, आप भरोसे के काबिल हैं। तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं यू आर ट्रस्टवर्दी, यू आर ट्रस्टवर्दी। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा और वर्दी मीन काबिल, तो इसका मतलब है कि आप भरोसे के लायक हैं। तुम एक पागल हो, इस पागल की हॉस्पिटलाइज मेंटल सेंस नहीं है, ये एक नॉर्मल सेंस के लिए बोला जाता है। यू आर अ फ्रीक, यू आर अ फ्रीक। जैसा आप चाहें, एज यू प्लीज्ड, एज यू प्लीज्ड। साफ साफ बोलो या फिर खुलकर बोलो, स्पीक फ्रैंकली, स्पीक फ्रैंकली। पुर उम्मीद रहो, पुर उम्मीद रहो मतलब पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। बी ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक। दूर हो जाओ, गेट अवे, गेट अवे। आप कैसे हैं, हाउ अबाउट यू, हाउ अबाउट यू। ये आप कब यूज करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ रहा है हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन, और उसके बाद आप भी उसका हालचाल पूछना चाहते हैं तो आप कहेंगे हाउ अबाउट यू। आप अपने बारे में बताएं आप कैसे हैं, ये हमाकत है या फिर ये बेवकूफ़ी है, इट इज स्टूपिडिटी, इट इज स्टूपिडिटी। वो जिद्दी है, ही इज स्टाउट, ही इज स्टाउट। तुम ईमानदार हो या फिर आप ईमानदार हैं, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। ये हल्का है, इट इज लाइट, इट इज लाइट। ये हल्का वेट की सेंस में है, जैसे आपके हाथ में कोई चीज़ है, आप उसका वजन बता रहे हैं कि ये हल्का है, तब आप कह सकते हैं इट इज लाइट। मुझे दूसरा दिखाओ, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपकीपर आपको कोई चीज़ दिखा रहा है और आप उसको कह रहे हैं कि कुछ और दिखाओ या फिर दूसरा कुछ दिखाओ, तब आप कह सकते हैं शो मी अनदर, शो मी अनदर। अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क। तुम कुछ नहीं जानते या तुम्हें कुछ नहीं पता, यू नो नथिंग, यू नो नथिंग। अब मुझे सुनो या फिर अब मेरी बात सुनो, हेयर मी नाउ, हेयर मी नाउ। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी पूरी बात सुनो, हेयर मी आउट, हेयर मी आउट। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, I said to him। कुछ गड़बड़ है, something is fishy, something is fishy। मैं वहाँ गया था, I went there, I went there। मुझे याद आया, जैसे अचानक आपको कोई चीज़ याद आ जाती है तो आप कह सकते हैं I recalled, I recalled। मैं तंग आ गया हूँ, I am fed up, I am fed up। वो कहाँ गया, Where did he go, Where did he go। अपने सारे काम ख़त्म कर लो, Finish all your work, Finish all your work। किसकी कॉल है या फिर कॉल पर कौन है, Whose call is it, Whose call is it। चलो माफ़ी मांग लो, Let's apologize, let's apologize।
उसने मुझे नहीं बताया. He did not tell me. He did not tell me. मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया. I have never used it. I have never used it. मैं हार मानता हूँ. I give up. I give up. आपसे बाद में बात होगी. Talk to you later. Talk to you later. मुझे थोड़ी मदद की ज़रूरत है. I need a little help. I need a little help. ये बहुत दिलचस्प है. That's very interesting. That's very interesting. कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल करो. Use your brain sometime. Use your brain sometime. आपसे मिलकर अच्छा लगा. Glad to meet you. Glad to meet you. कैसा चल रहा है? How it's going. How it's going. इसमें वक्त लगेगा. It's really take time. It's really take time. और हमारा लास्ट सेंटेंस है, मैं आपसे मुतासिर हूँ. You inspire me. You inspire me. जैसे आपको किसी की कोई भी बात अच्छी लगती है और आप उसे कहना चाहते हैं कि आपने मुझे बहुत इम्प्रेस किया, मैं आपसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ, तो आप कह सकते हैं यू इंस्पायर मी. तो व्यूअर्स, ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस थे. इन सेंटेंसेस को आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ गिव अस अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. इट गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इंशाल्लाह सी इन द नेक्स्ट न्यू वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग.